एक साथ जली नो चिताए, रोता बिलकता रहा पूरा बालेली गांव, दसवा शव भी बरामद, दो दिनों से नहीं जले घरों के चूल्हे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। थाना गागलहेड़ी के गांव बालाहेड़ी उर्फ बालेली पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बृहस्पतिवार को गांव में नो चिताए जली तो हर ग्रामीण की आंखों से आंसू निकल आए। वही मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा रहा, साथ ही ग्रामीणों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। हर घर में नौ ग्रामीणों की मौत से लोगों में गम का माहौल बना रहा। मंगलेश 55 वर्ष से, अदिति 3, टीना 13 वर्ष से, सुलोचना 58 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार दोपहर हुआ। 5 शव बृहस्पतिवार को सुबह मिले। पोस्टमार्टम के बाद किरण 30 वर्ष से, एकता 14 वर्ष से, अक्षय 20, नीतीश 8 और कामनी 12 वर्ष का अंतिम संस्कार देर शाम हुआ। गांव के हर घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और मृतकों के घर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। वहीं कल गुरुवार के दिन एक साथ एक कतार में चल रही अर्थिया, छतों और गलियों में चलते लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी न भुलाए जाने वाले इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। एक साथ खुले आसमान के नीचे 7 शवों की एक साथ चिताएं जली। 2 बच्चों को दफनाया गया। बारिश के कारण गांव से शमशान घाट पहुंचने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा, जहां चिताएं जलती हुई देख लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं आसमान भी रो पड़ा। भारी बारिश के बीच अंतिम संस्कार कराया गया। 4 चिताओं का अंतिम संस्कार एक छत के नीचे हुआ और 3 शव खुले आसमान के नीचे। बारिश होने पर काली पन्नी से चिताओं को ढका गया। गमगीन माहौल में मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। ग्रामीण बोले, इस दिन को कभी भुला नहीं पाएंगे। मरने वाले सभी लोग आपस में एक ही कुटुंब के थे। खुशी खुशी सबका बागड़ जाने का कार्यक्रम था, इसीलिए वे रिश्तेदारों के यहाँ चाप लेकर, पूजा पाठ का सामान लेकर एक साथ निकले थे। किसी को क्या पता था कि ये दिन दर्दनाक साबित होगा। वहीं आज शुक्रवार की सुबह काफी मशक्कत के बाद दसवां शव बरामद कर लिया गया, जिसकी पहचान 18 वर्ष से सौरभ के रूप में हुई, जिसका शव पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कई गांव के लोगों ने सहायता की। सूचना मिलते ही ग्राम नानहेड़ा, मांडेवास, हरोड़ा, संभाल की गुज्जर के ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लेकर बालेली गांव पहुंचे। इसके साथ ही पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की। शव की एम्बुलेंस के साथ मंडलायुक्त, सांसद हाजी फजलुल रहमान, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, सीओ सदर अभिदेश सिंह, एसटीएम सदर युवराज सिंह सहित पुलिस फोर्स गांव पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दिन को कभी भी गांव वाले भुला नहीं पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब